हमारे देश के वैज्ञानिकों ने वो कर दिया जो दुनिया में अमेरिका, चीन जैसे तमाम बड़े बड़े देश कभी नहीं कर पाए। हमारे देश के वैज्ञानिकों ने वो कर दिया जो करते हुए पिछले हफ्ते रूस तक फेल हो गया। भारत का चंद्रयान जैसे ही चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव की सतह पर पहुंचा, ये इतिहास रचने वाला विश्व का पहला देश भारत बन गया। जी हां दोस्तों, तो आखिर कैसे भारत ने रचा ये इतिहास बताएंगे आज की हमारे इस वीडियो के जरिए। अगर जानना चाहते हैं आप भी तो बन रहे हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक, पर उससे पहले आप हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। 23 अगस्त 2023 शाम 6:04 पर चांद पर भारत का सूर्योदय इस चमकते हुए मिशन चंद्रयान की लैंडिंग के साथ हुआ है। इसरो के सेंटर से आम लोगों के बीच भी तालियों की गड़गड़ाहट गूंजने लगी। इन तालियों की गड़गड़ाहट से कुछ सेकंड पहले तक देश भर के लोगों की सांसें थमी हुई थीं। लेकिन इस बार देश के वैज्ञानिक अपनी मेहनत पर पूरी तरह से आश्वस्त थे और वो मेहनत रंग लाई। ऐसे में देशवासियों के मन में एक सवाल यह भी उठ रहा है कि अब विक्रम और रोवर क्या काम करेंगे, तो चलिए एक अब इसके बारे में भी जान लेते हैं। नंबर एक, रंभा। यह चांद की सतह पर सूरज से आने वाले प्लाज्मा कणों के घनत्व, मात्रा और बदलाव की जांच करेगा। नंबर दो, चास्टे। यह चांद की सतह की गर्मी यानी तापमान की जांच करेगा। नंबर तीन, इल्सा। यह लैंडिंग साइट के आसपास भूकंपीय गतिविधियों की जांच करेगा। नंबर चार, लेजर रेट्रो रिफ्लेक्टर। यह चांद के डायनेमिक्स को समझने का प्रयास करेगा। इसी के साथ आपको बता दें, प्रज्ञान रोवर पर दो पेलोड्स हैं। पहला, लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप। यह चांद की सतह पर मौजूद केमिकल्स यानी रसायनों की मात्रा और गुणवत्ता की स्टडी करेगा, साथ ही खनिजों की खोज करेगा। वही दूसरा, अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर या एलिमेंट कंपोजिशन की स्टडी करेगा, जैसे मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, पोटेशियम, कैल्सियम, टिन और लोहा। इनकी खोज लैंडिंग साइट के आसपास चांद की सतह पर की जाएगी। वहीं अगर बात की जाए कि इस मिशन से वैज्ञानिकों के लिए क्या है फायदा, तो आपको दे कुल मिलाकर विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर मिलकर चांद के वायुमंडल, सतह, रसायन, भूकंप, खनिज आदि की जांच करेंगे। इससे इसरो समेत दुनिया भर के वैज्ञानिकों को भविष्य की स्टडी के लिए जानकारी मिलेगी, रिसर्च करने में आसानी होगी। बता दें कि भारत दुनिया का चौथा देश है जिसने यह सफलता हासिल की है। इससे पहले यह कीर्तिमान अमेरिका, रूस और चीन ने स्थापित किया था। वही अगर आइजरो को क्या फायदा होगा के बारे में बात करें, तो जान लीजिए कि इसरो दुनिया में अपने किफायती कॉमर्शियल लॉन्चिंग के लिए जाना जाता है। अब तक 34 देशों के 424 विदेशी सैटेलाइट्स को छोड़ चुका है। 104 सैटेलाइट एक साथ छोड़ चुका है, वह भी एक ही रॉकेट से। चंद्रयान 1 ने चांद पर पानी खोजा। चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर आज भी काम कर रहा है। उसी ने चंद्रयान 3 के लिए लैंडिंग साइट खोजी। मंगलयान का परचम तो पूरी दुनिया देख चुकी है। चंद्रयान 3 की सफलता इसरो का नाम दुनिया की सबसे बड़ी स्पेस एजेंसियों में शामिल कर देगी। बात दे चंद्रयान और मंगलयान जैसे स्पेसक्राफ्ट्स में लगे पेलोड्स यानी यंत्रों का इस्तेमाल बाद में मौसम और संचार संबंधी सैटेलाइट्स में होता है, ये रक्षा संबंधी सैटेलाइट्स में होता है और नक्शा बनाने वाले सैटेलाइट्स में होता है। इन यंत्रों से देश में मौजूद लोगों की भलाई का काम होता है और संचार व्यवस्थाएं विकसित करने में मदद मिलती है, निगरानी आसान हो जाती है। इसी के साथ आपकी जानकारी के लिए बता दे, चांद पर एक दिन पृथ्वी के 14 दिनों के बराबर होता है। 23 अगस्त को चांद के दक्षिण ध्रुव पर सूरज निकला था, यहाँ 14 दिन तक दिन रहेगा। इस वजह से चंद्रयान 3 के लैंडर और रोवर 14 दिनों तक चांद की सतह पर रिसर्च करेगा। इसलिए अब ये भी जान लेते हैं कि 14 दिन तक प्रयाग रोवर क्या करेगा चांद पर। तो आपको बता दे, चंद्रयान 3 का लैंडर और रोवर चांद की सतह पर उतरने के बाद अपने मिशन का अंजाम देने के लिए सौर्य ऊर्जा का इस्तेमाल करेगा और चांद पर 14 दिन तक दिन और अगले 14 दिन तक रात रहती है। अगर चंद्रयान ऐसे वक्त में चांद पर उतरता कि जब वहां रात हो, तो वह काम नहीं कर पाता। वहीं इसरो सभी चीजों की गणना करने के बाद इस नतीजे पर पहुंचा था कि 23 अगस्त से चांद के दक्षिणी ध्रुव सूरज की रोशनी उपलब्ध रहेगी, इसलिए वहां रात्रि के 14 दिन की अवधि 22 अगस्त को समाप्त हो रही थी।
और 23 अगस्त से 5 सितंबर के बीच दक्षिणी ध्रुव पर धूप निकलेगी, जिसकी मदद से चंद्रयान का रोवर चार्ज हो सकेगा और अपने मिशन को अंजाम देगा। बात दे की लैंडिंग के साथ ही लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान ने अपना काम शुरू कर दिया है। लैंडर विक्रम की सॉफ्ट लैंडिंग सफल होने के बाद रैंप के जरिए 6 पहियों वाला प्रज्ञान रोवर बाहर आ गया और इसरो से कमांड मिलते ही चांद की सतह पर चलने लगा। ये 500 मीटर तक के इलाके में चहलकदमी कर पानी और वहां के वातावरण के बारे में इसरो को बताएगा। इस दौरान इसके पहिए चांद की मिट्टी पर भारत के राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ और इसरो के लोगों की छाप छोड़ी। वहीं इस मिशन के लिए मेहनत तो इसरो के वैज्ञानिकों ने की, लेकिन पीछे पूरा भारत उनके साथ खड़ा था। मुंबई के अंधेरी स्टेशन पर भारत के चंद्रयान 3 की चांद पर सफल लैंडिंग के साथ ही जो जश्न मनता दिखा, यकीन मानिए ऐसे पल ना जाने आखिरी बार कब एकजुट हिंदुस्तान के इतिहास बनाते हुए दिखे। बता दें आज से ठीक 40 दिन पहले यानी 14 जुलाई को जो चंद्रयान भारत की 140 करोड़ उम्मीदों के ईंधन के साथ चंद्रमा की तरफ बढ़ा था, 41वें दिन उसने पहुंचकर मैसेज भेज दिया कि भारत वालों मैं अपनी मंजिल तक पहुंच गया हूं। वही आइसरो के बेंगलुरु में मौजूद टेलीमेट्री एंड कमांड सेंटर के मिशन ऑपरेशन कॉम्प्लेक्स में 50 से ज्यादा वैज्ञानिक कंप्यूटर पर चंद्रयान 3 से मिल रहे आंकड़ों की मंगलवार रात भर पड़ीडीडीएच ताल में जुटे रहे। वैज्ञानिक लैंडर को लगातार इनपुट भेजते रहे ताकि लैंडिंग के समय गलत फैसला लेने की हर गुंजाइश खत्म हो जाए। इसका नतीजा यह हुआ कि आज पूरी दुनिया भारत को बधाई दे रही है। चंद्रयान 3 लैंड होते ही चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव से चांद की तस्वीरें भेजने लगा है, लेकिन इस लम्हे तक पहुंचने से पहले सांस थाम देने वाले 17 मिनट के बारे में पूरे देश को जानना जरूरी है। आइसरो स्पेस एप्लीकेशन सेंटर के डायरेक्टर नीलेश एम देसाई के मुताबिक 17 मिनट्स को काफी भयावह कहा जा सकता है। इस दौरान कोई भी गलती की संभावना रहती है। दरअसल आखिरी 17 मिनट्स को लेकर खौफ इसलिए बना हुआ है क्योंकि चंद्रयान 3 का लैंडर इस अवधि में खुद से ही काम करेगा। इस दौरान आइसरो के वैज्ञानिक कोई कमांड नहीं दे पाएंगे, साथ ही लैंडर को सही समय, सही ऊंचाई और सही मात्रा में ईंधन का इस्तेमाल करते हुए लैंडिंग करनी होगी। आखिरी पलों में लैंडर के लिए गलती की कोई गुंजाइश नहीं होगी। बता दें कि 2019 में चंद्रयान 2 को इन्हीं नाजुक पलों में नाकामयाबी मिली थी। तब लैंडर चंद्रमा की सतह से 2.1 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंच गया था, लेकिन छोटी सी तकनीकी गड़बड़ी के कारण क्रैश हो गया था। तो दोस्तों, चंद्रयान 3 से जुड़ी इन जानकारियों के बारे में जानकर आप क्या कहना चाहेंगे? आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और इसी तरह की इंटरेस्टिंग खबर के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।